सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की ट्रेंडिंग रील वीडियो बहुत ही इजी स्टेप में जो है ना क्रिएट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना और चलें इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करना है अर्बन जंगल फॉन्ट्स पिक्सार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को सेकंड नंबर पर लिंक मिलेगा, आपने इस लिंक को ओपन करना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस फॉन्ट को डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है और यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर आप लोगों ने अर्बन जंगल की जिप फाइल को जो है ना अनजिप कर लेना है। तो इस फाइल को अनजिप करने के बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है और अपने मोबाइल में कोई भी वीपीएन ऑन करके इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कैपकट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल गैलरी में से कोई अच्छी सी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ऐड कर लेनी है। मैं काफ़ी सारी बैकग्राउंड्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है ना अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बैकग्राउंड ऐड करने के बाद बैकग्राउंड के एंड पे मौजूद जो है ना आप लोगों को ब्लैक वाटरमार्क की इमेज मिलेगी, आपने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम टाइप कर लेना है, ठीक है। तो मैं अपना नाम टाइप करने वाला हूँ राखा। तो नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पर सर्च आइकॉन के साथ ऐड फॉन्ट पे क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी अर्बन फॉन्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप लोगों ने ऐड करने के लिए प्लस बॉक्स पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल में से जो है ना डाउनलोड वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने जो फाइल अनजिप की थी वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे सेलेक्ट करोगे कैपकट में वो ऐड हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है अर्बन फॉन्ट पे, तो आपका टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसका साइज वगैरह जो है ना अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से इंक्रीज कर लेना है। अब हम इसमें शेडो ऐड करेंगे। ब्लैक शेडो ऐड करने के लिए आप लोगों ने स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है गाइज। स्टाइल पे क्लिक करोगे नीचे जो है ना आपको शेडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो शेडो पे आप लोगों ने क्लिक करना है और शेडो आप लोगों ने ब्लैक सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा फॉन्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप लोगों ने इस पे स्टिकर वगैरह एनिमेट के लिए ऐड करने हैं। उसके लिए यहाँ पर नीचे जो है ना स्टिकर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सर्च स्टिकर पे जो है ना बर्ड लिख के सर्च करना है, तो आपके सामने काफ़ी सारे बर्ड्स के स्टिकर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे स्टिकर आप लोगों ने सेलेक्ट करके अपनी इमेज के ऊपर ऐड कर लेना है। कुछ इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर, नाम के ऊपर जो है ना एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप जितने मर्जी चाहें स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन एक या दो ही ऐड करें, ठीक है। तो इस तरह से स्टिकर ऐड कर लोगे, यहाँ पर हार्ड वगैरह वाले आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर हार्ड वाला सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है एक। और यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इस तरह से जो है ना अपने नाम के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी 50% जो है ना वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। आपने इसको प्ले करके देख लेना है और प्ले करने के बाद आप लोगों को जब ये परफेक्ट लगे आप लोगों ने ऊपर एरो के बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे कैसे इसको मज़ीद एडिट करना है। उसके बाद आप लोगों ने डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अगेन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और जो वीडियो आप लोगों ने अभी एक्सपोर्ट की थी उसको सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। वीडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को वीडियो के एंड पे मौजूद ब्लैक वाटरमार्क को इमेज को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी इस वीडियो को जो है ना दो मरतबा डुप्लीकेट करना है। इस तरह से आपकी ये वीडियो 10 सेकंड की हो जाएगी, तो जो कि आप इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकोगे अपलोड करते वक्त। तो अब आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में आना है और यहाँ पर नीचे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रेंडिंग में जो है ना आप लोगों को डायमंड जूम इफेक्ट मिल जाएगा, ये ट्रेंडिंग में है, ठीक है। आपने ये वाला ऐड कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ट्रांजिशन ऐड करने के लिए जो है ना वीडियो इसके दरमियान वाइट बॉक्स पे क्लिक करना है।
यहाँ पर आप लोगों ने इफेक्ट्स के जो है ना राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है और सुपर इम्पोज इफेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी ड्यूरेशन 0.8 सेकंड जो है ना आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो ये वीडियोस के दरमियान में जो है ना ये ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने नीचे अगेन वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने टैब्स को राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ को आपको बटरफ्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा, बटरफ्लाई पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना आपको सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट है ना आप लोगों ने स्लाइड करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने थर्ड पार्ट पे इफेक्ट ऐड करना है। उसके लिए अगेन आप लोगों ने नीचे वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको थर्ड नंबर वाला इफेक्ट मिल रहा है ना आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से गाइस आपकी वीडियो जो है ना बनकर रेडी हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो अपने माइंड के हिसाब से इसको मज़ीद अच्छे से इस तरह की वीडियो बना सकते हो। आई होप आप इस तरह से वीडियो क्रिएट कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।